हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ अमृता मिश्रा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी खट्टी मीठी आम की लौंजी की रेसिपी। इसको गुड़म्बा भी कहते हैं, गुड़चरा भी कहते हैं, और ये मैं आपको एकदम ट्रेडिशनल तरीके से बताऊंगी, जैसा कि दादी और नानी बनाती थी, बिल्कुल ये सेम वही रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो कच्चे आम लिए थे, उसको साफ धुल के छिल के ये देखिए मैंने काट के रेडी कर लिया है। इसकी गुठली मैंने अलग कर ली है और इसको मैंने लंबाई में काटा है, और इसको देखिए मैंने बहुत मोटा नहीं काटा है। और यहाँ पे मैंने 150 से 200 ग्राम लिया है गुड़ लिया है, और इस रेसिपी की जान है इसमें पड़ने वाले खड़े मसाले। तो एक चम्मच सौंफ ली है साबुत, एक चम्मच साबुत धनिया है, आधा चम्मच साबुत जीरा है, एक चौथाई चम्मच मेथी है, एक चौथाई चम्मच मंगरेल है, एक खड़ी लाल मिर्च है। तो यहाँ पे तड़के के लिए अलग से मैंने एक तिहाई चम्मच सौंफ, एक चौथाई चम्मच मेथी, मंगरेल, दो चुटकी हींग और एक साबुत लाल मिर्च ली है। ये तड़के के लिए अलग से मैंने ली है। तो सबसे पहले हम अपना मसाला तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, मिर्च को पहले अभी हम नहीं डालेंगे। ये जो मसाले मैंने बताए थे ये हम इसमें कढ़ाई में ऐड कर लेंगे, और इसको हमें ड्राई रोस्ट करना है, धीमी आंच पे हमें करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी भून के तैयार हो जाते हैं। तो हाई फ्लेम एकदम ना करें, लो फ्लेम पे इसे भुने, लगातार इसे चलाते रहें। इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी, तो वो इंडिकेशन रहेगा कि ये मसाला अच्छे से भुन गया है। बहुत ज़्यादा इसे टाइम नहीं लगता है भुनने में। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसमें मैंने लाल मिर्च ऐड कर दी है, इसकी डंठल हटा दी है। अब तुरंत हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, वरना ये कढ़ाई की गर्मी से जलने लगेगा। तो एक प्लेट में हम इसे निकाल लेंगे, और उसके बाद जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। और इसे हमें दरदरा ही ग्राइंड करना है, बारीक एकदम नहीं ग्राइंड करना है, तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। ये देखिए इसे मैंने दरदरा ग्राइंड किया है, इसकी लाल मिर्च की बीज भी इसमें दिखाई दे रही है। तो ऐसे ही दरदरा आप ग्राइंड करें। अब एक कढ़ाई में मैंने 1.5 चम्मच सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल में ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है। तेल को अच्छे से हम गरम होने देंगे। तो अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो 1/3 चम्मच जैसे कि मैंने कहा मोटी सौंफ ली है, 1/4 चम्मच मेथी ली है, 1/4 चम्मच मंगरेल ली है, 2 चुटकी हींग ली है, लाल मिर्च ली है साबुत, मंगरेल को कलौंजी भी कहते हैं। अब इस तड़के को हम अच्छे से होने देंगे। तो देखिए तड़के के लिए मैंने अलग से थोड़ा सा मसाला बचा के रखा था, क्योंकि ये इस रेसिपी में दिखता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है गुड़चरे में। तो ये कच्चा आम मैंने ऐड कर दिया है इसमें। अब हम इसे चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे, और कुछ आम थोड़ा जल्दी गल जाते हैं, कुछ आम को गलने में थोड़ा टाइम लगता है। ये छोटे वाले कच्चे आम थे तो ये बहुत ही जल्दी गल के रेडी हो जाते हैं। तो आप इस तरह से अब की आम की लौंजी बना के ट्राई करें। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, एकदम ट्रेडिशनल रेसिपी है, जैसा कि दादी और नानी बनाती थी, बिल्कुल ये सेम वही रेसिपी है। तो देखिए अब मैंने नमक ऐड कर दिया है, स्वाद अनुसार आपको नमक लेना है। आप चाहें तो इसमें काला नमक भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। लगातार हम इसे चला लेंगे 2 से 3 मिनट तक। ये देखिए आम थोड़े थोड़े सॉफ्ट होने लगे हैं, तो अब हम इसमें गुड़ लेके ऐड कर देंगे। अगर आपको मिठास थोड़ी ज़्यादा पसंद हो तो आप गुड़ थोड़ा ज़्यादा यूज़ करें, अगर आपको खट्टापन थोड़ा ज़्यादा पसंद हो तो आप गुड़ थोड़ा कम यूज़ करें। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से गुड़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे थोड़ा मिठास पसंद है, खट्टा मीठा टेस्ट, तो इसीलिए मैंने गुड़ अच्छी क्वांटिटी में लिया है। तो अब मैं इसमें पानी मैंने 1 गिलास ऐड कर दिया है, लगातार चलाती रहूंगी और ये गुड़ अपने आप गल जाता है। ये देखिए इसमें उबाल आने लगा है। तो अब हम इसमें ये जो मसाला मैंने बना के तैयार किया था ये उसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा मसाला बचा लेंगे, सारा मसाला नहीं लगेगा इसमें, इसको किसी और रेसिपी में यूज़ करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मसाले मैंने दरदरा इसको ग्राइंड करके रेडी किया था, तो कितना अच्छा लग रहा है, और जब हम इसको खाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए बहुत ही अच्छा उबाल आ चुका है। तो अब हम इसे ढक देंगे 3 मिनट के लिए,
फिर उसके बाद 3 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन हटा दिया है। ये देखिए, अब इसका कलर मुझे थोड़ा सा और लाल चाहिए, तो इसीलिए मैंने 1/3 चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च यूज किया। ये एकदम ऑप्शनल है। तो ये देखिए, आम थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगा है, तो अब हम इसे ढकेंगे नहीं, बिना ढके हम इसे 3 से 4 मिनट पका लेंगे, जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। बहुत ज्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा उबाल आ रहा है इसमें, और ये अपने आप थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है। थोड़ी देर और बस पका लेंगे हम इसे। ये देखिए, ये इसकी कंसिस्टेंसी एकदम सही कंसिस्टेंसी है। ये देखिए, तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे, क्योंकि गैस की फ्लेम बंद करने के बाद ये थोड़ी देर बाद अपने आप गाढ़ा होने लगता है। तो ये रेसिपी आप पूरी, पराठे, दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, और अगर आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे तो ये 1 महीने तक एकदम नहीं खराब होता है। ये जैसे का तैसा ही बना रहता है, सेम टेस्ट इसमें आता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसको बनाने के बाद फ्रिज में स्टोर करके रखें, फिर आपको जितना लेना हो आप उतना लेके फिर उसको फ्रिज में रख दें। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।